हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो ब्रिज कोर्स से रिलेटेड सेशन है। पिछले कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था एमसी एंट्रेंस में, जिसमें ये बताया गया था कि अब एआईसीटी ने, यूजीसी ने एमसी के प्रोग्राम को 2 ईयर कर दिया है, और उसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट जो है वो 12th मैथ्स होना चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल पे 1 ईयर मैथ्स होना चाहिए, या जिसने ब्रिज कोर्स के थ्रू मैथ्स किया वो एलिजिबल है। पर उसमें ये लाइन ने कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज करा कि ब्रिज कोर्स मतलब क्या, क्योंकि जब मेरे पास फोन आया तो उससे आइडिया लगा, कई बच्चों को लगा, उन्होंने बोला सर हमें आपके यहाँ से ब्रिज कोर्स करना है, कैसे कराया जाता है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक वर्ड्स ने काफी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। तो आज के सेशन में मैं ब्रिज कोर्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा, किस स्टूडेंट को ब्रिज कोर्स की जरूरत होती है, ब्रिज कोर्स क्या है, और सबसे पहली बात ये कि ब्रिज कोर्स ये कोई नया नहीं है, सालों से चला आ रहा है, बस वो एक वर्ड ने कई जगह पे कई बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, और ब्रिज कोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो सेशन है आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स में क्या पढ़ना है और कितने विषयों को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिज कोर्स में सब्जेक्ट क्या है और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा इस पूरे सेशन में कि जो क्लास 12th में या तो स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट वाला होता है, बायोलॉजी वाला होता है, अकाउंट वाला होता है, आर्ट्स वाला होता है, अब आगे जाके जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो कई बार उसके इंटरेस्ट एरिया में, मान लीजिए कि उसको सपोज वो बायो का स्टूडेंट है और बाद में उसको लगता है कि मैथ्स फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो क्या कर सकता है। बायो वाला स्टूडेंट है तो मैथ्स फील्ड में कैसे जाए, मैथ्स वाला है तो बायो फील्ड में, या कॉमर्स वाला है तो क्या वो मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं। तो इसके लिए एक ब्रिज कोर्स की, ब्रिज नाम ही क्लियर होगा कि आपने एक शॉर्टकट ले लिया। तो बेसिकली ब्रिज कोर्स का मतलब क्या मैं बताता हूं। देखिए, हो सकता है कि 12th में आपका सब्जेक्ट मैथ्स हो यानी पीसीएम, हो सकता है 12th में आपका सब्जेक्ट बायो हो यानी पीसीबी, हो सकता है कॉमर्स हो सकता है आर्ट्स हो। अब मैं आपको पहले आइडिया दे दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सेशन, समझिएगा तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 12th कर लिया, 11th और 12th, और 12th आप पीसीएम से पास हुए, बाद में आपको ऐसा लगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना था, पर डॉक्टर बनने के लिए आपके पास सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, पर आप तो 12th पास हो चुके हैं। याद रखिएगा, ये पहले तो याद रखिए, 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है जिसने 12th पास कर ली है और वो ग्रेजुएशन में, मतलब बीएससी हो सकता कर रहा हो सकता है बीसीए कर रहा हो सकता है वो बीकॉम कर रहा हो सकता है वो बीए कर रहा हो, है ना, इनमें से कोई एक फील्ड में है वो, और उसको बाद में ये रियलाइज होता है कि मुझे, मान लीजिए उसने 12th मैथ से पास किया और बाद में लगा उसको 12th के तुरंत बाद कि मुझे तो बायो फील्ड में जाना था पर बायो सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या करा जाए, क्या 12th का पूरे सब्जेक्ट दोबारा देना पड़ेंगे, नहीं। तो एक ऑप्शन उसके पास है कि थ्रू ब्रिज कोर्स वो एक सिंगल बायो का पेपर दे के, सिंगल बायो का पेपर दे के पीसीएमबी का भी स्टूडेंट हो सकता है, या बायो वाले स्टूडेंट को बाद में ये लगता है, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने बायो सब्जेक्ट लिया था, बहुत अच्छे से समझना, मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि ये केवल एमसी एंट्रेंस के लिए नहीं होता ब्रिज कोर्स, ये कई जगह पे बहुत सारी हेल्प करता है, और ये किसके लिए होता है और कब करना चाहिए ये मैं बताना चाहूंगा। तो मान लीजिए किसी बच्चे का बायो था और उसका उसका इंटरेस्ट था मेडिकल लाइन में, पर उसने 12th के साथ मेडिकल का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, और थोड़ा बायो में उसको लगा कि स्कोप कम है, मैथ्स में स्कोप सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या करें, तो या तो वो 12th का एग्जाम फिर से मैथ्स के साथ दे, 11th तो लोकल होता है, या फिर वो सिंगल मैथ्स का पेपर भी दे सकता है। ये 12th मैथ्स का पेपर देने से ये बायो वाला बच्चा मैथ्स वाला स्टूडेंट भी हो जाएगा, या सपोज कॉमर्स वाले बच्चे को किसी एलिजिबिलिटी में मैथ्स की जरूरत है तो वो मैथ्स का एग्जाम दे सकता है, या आर्ट्स वाले को जरूरत है तो वो भी एग्जाम दे सकता है। तो बेसिक आइडिया मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि इसमें है क्या, होता क्या है कि जब आप मान लीजिए नॉर्मली जो आप मान लीजिए कि बीएससी कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, आप बीएससी अगर बायो से कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं पर 12th में मैथ्स नहीं था, 12th आप नॉन मैथ्स थे, ठीक है, मतलब 12th में आपका मैथ्स नहीं था, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर आइडिया देता हूं कि मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं बायो से, आप बीसीए कर रहे हैं
पर 12th में आपका मैथ्स नहीं था, जो अक्सर जिनको जरूरत पड़ती है उनको बता रहा हूं, जिनका 12th में मैथ्स नहीं था यानी नॉन मैथ्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैथ्स नहीं है यहां पर, मैं इसको लाल से कर देता हूं, डेंजरस, मैथ्स नहीं था, ओके। या हो सकता है आप बीए कर रहे हो, बीए वाले तो अक्सर ही 12th मैथ्स नहीं होता, इसका भी 12th में मैथ्स नहीं था, या आप मान लीजिए बीकॉम कर रहे हैं और आपका 12th में मैथ्स नहीं था, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत कहां पड़ती है वो बता रहा हूं। अब आपने फर्स्ट ईयर, या हो सकता है आप सेकंड ईयर, या हो सकता है फाइनल ईयर में हैं, और आपको ये पता चला कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें 12th मैथ्स की कंपलसरी मांगते हैं, यानी एलिजिबिलिटी के लिए 12th मैथ्स की जरूरत मांगी जाती है। अब आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है फाइनल ईयर में, तो क्या आप 12th दोबारा करेंगे और 12th करके फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे? ये नहीं कर सकते। यानी आप सोचिए कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और यहां 12th है, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये फाइनल ईयर, क्या आप वापस यहां आएंगे? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने वापस पूरा 12th दिया तो 12th फिर फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर, यानी आपके पास आपका टाइम बहुत बढ़ जाएगा। पर केवल एक मैथ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के वजह से आप वो एग्जाम ना दे पाए, इसलिए ये ब्रिज कोर्स को स्टार्ट किया गया था, और ये आज का नहीं है, सालों से हो रहा है। सबसे पहले तो दिमाग में ही बैठा लो, ये भी मिसकंसेप्शन है कि नया नहीं। अब क्या कर सकते हैं कि ऐसे में आप ग्रेजुएशन की बात करता हूं, ग्रेजुएशन के चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, आप 12th मैथ्स का एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हैं अगर 12th मैथ्स की एलिजिबिलिटी मांगी है। नॉर्मली एमसीए एंट्रेंस में 12th मैथ्स की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, ठीक है ना, जो 12th मैथ्स होता है, मतलब सॉरी एमसीए एंट्रेंस होता है, एमसीए एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए निमसेट की बात करूं, निमसेट पे तो नहीं मांगते पर फिर भी एक आइडिया दे रहा हूं, या जेएनयू की बात करूं या बीएचयू की बात करूं, तो कई जगह पे 12th मैथ्स मांगते हैं। पर अगर आपका मान लीजिए कि बीएससी बायो से है, या बीसीए नॉन मैथ्स है, या बीए नॉन मैथ्स है, या बीकॉम नॉन मैथ्स है, तो ऐसे में आप ब्रिज कोर्स के थ्रू, समझिएगा ध्यान से, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपका 12th मैथ्स नहीं है तो ऐसे में ब्रिज कोर्स के थ्रू एक सिंगल सब्जेक्ट के पेपर दे देने से आप 12th मैथ्स के स्टूडेंट कहलाने लगते हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, यानी आपका टाइम भी खराब नहीं हुआ, आपको पीछे से जाके 12th भी नहीं करनी पड़ी और आप एलिजिबल हो गए। ये एग्जाम कैसे देते हैं, कब फॉर्म भरते हैं, क्या तरीका है, वो भी सब बताऊंगा, पर पहले आपको एक बात समझ में आई आइडिया कि अगर आपका मान लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं कि बीएससी बायो से था, या आपका बीसीए था, या आपका बीए था, या आपका बीकॉम था, और इसके किसी भी ईयर में थे आप, अगर नॉन मैथ्स था आपका, पहले याद रखिएगा नॉन मैथ्स वर्ड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों ने भी फोन किया जिनका मैथ्स था, फिर भी सर हमें ब्रिज कोर्स करना है क्योंकि एलिजिबिलिटी में लिखा है, उस लाइन को लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, एलिजिबिलिटी में कहीं नहीं लिखा कि ब्रिज कोर्स करना है, ब्रिज कोर्स करे ही उसके लिए जाता है कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फाइनल में हैं और आपको बाद में यह पता चलता है कि आपको 12th मैथ्स की जरूरत है, और केवल मैथ्स के लिए नहीं होता ये, एक और बात ध्यान रखिए, मैथ्स बायो आर्ट सब मैथ्स बायो कॉम अकाउंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए, पर सिंगल सब्जेक्ट सारे नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा 12th में आर्ट्स लिया हुआ है सपोज, और वो सोचे कि मुझे 12th बायो से करके मेडिकल देनी है, तो उसे पूरा 12th के सब्जेक्ट देना पड़ेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी हिंदी इंग्लिश, केवल ब्रिज कोर्स सिंगल सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अब इन बच्चों को कि जिनका समय खराब ना हो, मैथ्स की रिक्वायरमेंट कई जगह पड़ती है, तो वो 12th मैथ्स का एक पेपर दे सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 3 सेशन लिए, उन 3 सेशन के बाद भी अगर बच्चों में कंफ्यूजन रहा तो मुझे लगता है मैं कई चीजें बोलूं तो आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपका 12th के समय मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, यानी आपने 12th बायोलॉजी से किया या कॉमर्स फील्ड से किया
या आर्ट्स फील्ड से किया, ह्यूमैनिटी से किया, जिससे भी किया, पर मैथ्स नहीं था। और जब ग्रेजुएशन कर रहे थे आप, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको ये पता चला कि मुझे मैथ्स एलिजिबिलिटी लगेगी, तो क्या किया जाए? तो आप 12th मैथ्स का एक सिंगल पेपर देके मैथ्स स्टूडेंट कहलाते हैं, एंड दिस कोर्स इज कॉल्ड ब्रिज, यानी आपने डायरेक्ट लूप लाइन ले ली, इसलिए इसे ब्रिज कोर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं मैथ्स इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे मैथ्स के लिए देते हैं, पर आप चाहें तो मैथ्स का पेपर दे सकते हैं, आप चाहें तो बायो का दे सकते हैं, आप चाहें तो आर्ट्स का दे सकते, कॉमर्स का, अकाउंट का दे सकते हैं, कोई भी एक पेपर। तो अभी मैं जो मैक्सिमम चलता है उसके बात करूंगा। तो मैथ्स का ये पेपर दे सकते हैं। अब ये पेपर कैसे देते हैं? ब्रिज कोर्स करना है, ये जब वर्ड मैंने सुना तो मुझे इस पे ही लगा, ब्रिज कोर्स करना नहीं होता, आप अपनी ग्रेजुएशन करते जाएं, साथ में 12th का ये सिंगल सब्जेक्ट पेपर का फॉर्म भरना पड़ता है। कैसे भरते हैं, कहां से भरा जाएगा, और इसमें हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो मैं पूरी चीजें बताता हूँ। तो अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में और ये सेशन सुन रहे हैं, और अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं है, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में ही दे दीजिए। काहे के लिए, सेकंड ईयर है, फाइनल में देते हैं। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में आ गए तो भी दे सकते हैं, फाइनल में आ गए तो भी दे सकते हैं, और इवन फाइनल पास आउट हो गए तो भी दे सकते हैं। ये ब्रिज कोर्स को कोई भी बच्चा कभी भी दे सकता है। सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट बात यही है कि कभी भी दे सकता है। बट अगर आप आज ये मेरा सेशन सुन रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं और 12th में मैथ्स नहीं है, तो मैं बोलूंगा फाइनल में देने की जगह पहले दे दें, अच्छा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो लोग एग्जाम देते हैं इसका जिनको कि एमसीए के एंट्रेंस में जाना होता है। एमसीए एंट्रेंस में 12th मैथ्स मांगा जाता है बहुत सारी जगह। यह अलग बात है, एक एग्जाम और है, इसके लिए भी बता दूं कि निम सेट में 12th मैथ्स नहीं मांगते। अगर कोई बच्चा बीसीए किया है तो भी, जिनका मैथ्स नहीं होता, मैं बोलता हूं भले ही निम सेट में नहीं मांगते, अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं है तो आपको ये पेपर देना चाहिए, देना चाहिए उस, क्योंकि एमसी एंट्रेंस का सिलेबस 11th 12th मैथ्स होता है। पर ये पेपर देने से आप इंडिया के हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यानी इस ब्रिज कोर्स का पर्पज यही था कि किसी बच्चे ने अगर 12th में मैथ्स नहीं लिया है और बाद में उसको ऐसा एग्जाम देना हो जहां पर 12th मैथ्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो 12th दोबारा जाके ना करे, दोबारा ग्रेजुएशन ना करे, बल्कि वो एक ब्रिज कोर्स के थ्रू अपने आप को 12th मैथ्स का प्रूफ कर दे। तो अब आपको ये समझना है कि आप ये 12th मैथ्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं था, फिर बोल रहा हूं मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि मैं, और मुझे पता है इतना बताने के बाद भी आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर 12th नॉन मैथ्स है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, आप 12th मैथ्स का ये पेपर दे दें। अब जब वर्ड 12th मैथ्स यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसके फॉर्म कैसे भरेंगे? इसके फॉर्म, जब 12th के फॉर्म फिल होते हैं, नॉर्मली 12th के फॉर्म अगस्त में फिल होते हैं, आपको अगस्त में जब भी नोटिफिकेशन आता है, आपने देखा होगा हर स्टेट का। देखिए अब इसमें भी एक कंसेप्ट है, आपने 12th किस बोर्ड से किया? जब आप 12th में थे तो आपने किस बोर्ड से किया? आपने एमपी बोर्ड से किया, आपने बिहार बोर्ड से किया, आपने यूपी बोर्ड से किया, आपने महाराष्ट्र बोर्ड से किया, किस बोर्ड से 12th किया है? पहला चीज ये कि 12th में आप कहां के थे, यानी यूपी के थे, महाराष्ट्र के थे, है ना, या एमपी के थे, कहां के थे इसके ऊपर, या सीबीएसई स्कूल के थे या आईसीएसई बोर्ड के थे। तो दो तरीके होते हैं एग्जाम देने के, एक जिस बोर्ड से आपने 12th दिया है आप उस बोर्ड के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह होगा कि अपने स्कूल में जाइए और उनको बोलिए कि हमको 12th मैथ्स का पेपर देना है, वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप 12th मैथ्स का फॉर्म फिल कर दीजिए। आप 12th मैथ्स का फॉर्म फिल कर देंगे, एग्जाम पेपर भी जब भी होगा जब 12th मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनिए, यानी मार्च में पेपर होगा नेक्स्ट ईयर के, और एक सिंगल पेपर देने के बाद आपको एक सिंगल मार्कशीट मिलेगी और इस तरह से आप 12th मैथ्स के स्टूडेंट कहलाएंगे। ओके, ये एक प्रोसेस हुआ। अब आप मान लीजिए कि उस स्टेट बोर्ड से नहीं दे पा रहे, जैसे कई बच्चे होते हैं, अब हमारे यहाँ बिहार के बच्चा भोपाल आ गया, यहीं से ग्रेजुएशन कर रहा है, या हो सकता है आप दिल्ली चले गए, वॉट एवर। तो दूसरा तरीका होता है, आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट के बोर्ड से भी दे सकते हैं,
बट उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th के साथ ही मिलता है। देखिए दो चीज होती है, एक टीसी और एक माइग्रेशन। पर वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो आपका कॉलेज में जमा हो जाता है। तो क्या करें, तो आप ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने स्कूल से डुप्लीकेट निकलवाएं। अगर आप सेम बोर्ड को बदलते हैं तो पहले सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले कि आप जिस बोर्ड के, जैसे मैं एमपी में हूं, मैं एमपी की बात करूं, सभी जगह अगर मैं एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हूं, 12th मैंने एमपी बोर्ड से किया है, राइट, और मैं एमपी बोर्ड में ही फॉर्म भरने जाऊं तो मुझे माइग्रेशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बट अगर मैं एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हूं, या मान लीजिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं महाराष्ट्र बोर्ड का हूं, और आप मेरे पास भोपाल पढ़ने आ गए, होता है। अब आप महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, कर्नाटक बोर्ड के, जिस भी बोर्ड के हैं, अब आपको ये एग्जाम देना है, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि आप अपने महाराष्ट्र के जिस स्कूल से पेपर दिया था वहां से आप मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ला दें। अब आप बोलेंगे सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो लाए थे पर वो कॉलेज में जमा हो गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, माइग्रेशन के बिना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो अब क्या किया जाए, तो आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना होगा, और वो सर्टिफिकेट के थ्रू आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट का से भी पेपर दे सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे एमसीए करने आते हैं, कई सारे बच्चे दूसरे दूसरे स्टेट के जब आते हैं, वो बीसीए भी यहीं से कर रहे होते हैं, और जब उनको पता चलता है कि 12th में मैथ्स नहीं है और मैथ्स कई जगह मांगा जाता है, हर जगह नहीं, तो मैं उनको यही सजेशन देता हूं कि आप 12th बोर्ड का फॉर्म भर दो, और वो यहीं से भर देते हैं। हमने अपने एक स्कूल से, एमपी बोर्ड के स्कूल से टाइप कर रखा है, बच्चा वहां पर जाता है या वहां का कोई पर्सन आके बच्चे से क्या क्या ले जाता है, 12th की मार्कशीट ले जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाता है, और उसका फॉर्म फिल करवा देता है। अगले साल जब मैथ्स तो मार्च में एग्जाम होता है वो पेपर दे आता है और पास भी हो जाता है, क्योंकि एमसीए एंट्रेंस में मैथ्स पूरा होता है, तो उसके लिए अलग से नहीं करना होता। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि नंबर 1 आप अपने बोर्ड पर जाएं और अपने बोर्ड के एग्जाम में ही दे दें। दूसरा तरीका है किसी और स्टेट में, कोई जरूरी नहीं कि आप भोपाल हैं, किसी और स्टेट में आप वहां से 12th मैथ्स का फॉर्म भरते हैं पर माइग्रेशन के साथ। तीसरा, अगर सपोज इम्पिटस गुरुकुल में, तो वो तो मैं भरवाऊंगा ही, फिर कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो मैं भरवाता ही हूं, और उस केस में बच्चा जब यहां आ जाता है तो उसको पता होता है। तो पहले ये ध्यान रखिए कि ब्रिज कोर्स जो होता है वो कोई नया कोर्स नहीं है, बहुत पुराना कोर्स है, और ये सिंगल सब्जेक्ट ऑप्शन के लिए होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बाद में आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप ब्रिज कोर्स के थ्रू वो सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी आप पीछे नहीं जाते, बल्कि एक लूप लाइन लेके 12th का मैथ्स का, बायो का, कॉमर्स का, किसी का भी पेपर आप देके ये कर सकते हैं। पर 90% चांसेस होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको एलिजिबिलिटी की दिक्कत आती है वो मैथ्स सब्जेक्ट में ही आती है, मैं बता दूं, और मैथ्स के लिए ही 99% लोग फॉर्म भरते हैं, इसलिए मैं मैथ्स पे फोकस करते हुए बता रहा हूं। तो ये ब्रिज कोर्स कहलाता है, इसलिए आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो। ब्रिज कोर्स कोई करवाता नहीं है, कोई बोले तो गलत बोल रहा है, ब्रिज कोर्स कुछ नहीं होता। ब्रिज कोर्स तो एक नाम है कि आपने ग्रेजुएशन के समय आपको ये पता चल गया कि भाई मैं 12th में मैथ्स नहीं लिया था, आज मुझे मैथ्स लग रहा है, तो वो करने के लिए उस मैथ्स के पेपर देने के वर्ड को हम ब्रिज कोर्स कहते हैं। कुछ तो बोलोगे ना, तो उस वर्ड को हम ब्रिज कोर्स बोलते हैं, और इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट का ही पेपर दिया जा सकता है। फिर बता दूं, सिंगल सब्जेक्ट का पेपर ही दिया जा सकता है और कोई नहीं। सिंगल मतलब या तो मैथ्स या बायोलॉजी या अकाउंट, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट का पेपर दिया जा सकता है। पर मैंने फिर बोला कि 90% ऑफ चांस जो होता है वो किसके लिए होता है, 90% ऑफ चांस जो होता है वो मैथ्स के लिए, 95% भी मान सकते हैं मैथ्स के लिए होता है। कभी कभी कुछ बच्चे मैथ्स वाले जो होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे बायोलॉजी फील्ड में जाना है, मतलब मेडिकल फील्ड में, तो बायो का पेपर भी दे सकते हैं। या किसी अकाउंट वाले बच्चे को लगता है कि मुझे, अकाउंट वाला बच्चा बायो फील्ड में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि सारे सब्जेक्ट नहीं दे सकता, पर अकाउंट वाले बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स फील्ड में जाना है तो मैथ्स का सिंगल पेपर दे देता है। तो ये एक अच्छी चीज है और अच्छी न्यूज भी है। तो ब्रिज कोर्स, पर ब्रिज कोर्स उन बच्चों को ही करना होता है जिनका 12th में मैथ्स नहीं है। जिनका 12th में मैथ्स है, मान लो अगर आपका 12th में मैथ्स है, तो अब आप बोलो कि सर 12th में मैथ्स है तो हम क्या कर सकते हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, 12th में हमारा मैथ्स है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपका 12th में मैथ्स है ना, मान लो आपका 12th में मैथ्स है, तो क्या करोगे आप बताइए? आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, फिर आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, केवल मैथ्स का पेपर उनको देना है जिनका 12th में मैथ्स नहीं। हाँ, आपका 12th में अगर मैथ्स है और आपको ये लगता है कि बायो देना है तो अलग बात है, अकाउंट देना है तो अलग बात है, पर उन सब की जरूरत होती नहीं है। तो एक आपको जनरल आइडिया समझ में आ गया होगा कि अगर, फिर बता रहा हूं मैं बार बार, कि 12th में अगर आपका मैथ्स नहीं है, अगर 12th में मैथ्स नहीं है तो आपको ब्रिज कोर्स देना होता है, और ये ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फाइनल ईयर या उसके बाद भी दे सकते हैं। इसके फॉर्म 12th बोर्ड के साथ आते हैं, जो लगभग अगस्त के आसपास आते हैं, जैसे इस बार उम्मीद है 15 अगस्त के बाद आएंगे। जब एमपी में इसके फॉर्म आएंगे, कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सर हम क्या एमपी में आके कर सकते हैं या इम्पीटस आके, तो मैंने कहा था हाँ। तो जब भी इसके फॉर्म आएंगे 12th बोर्ड के, एमपी में मैं बोल रहा हूं, तो मैं आपको एक ऐसा ही सेशन और डालूंगा। बाकी मैं एक बात और बोल दूं कि इस कोर्स के लिए कोई जरूरी नहीं आपको एमपी आना हो, आप जिस भी बोर्ड के हो, आप यूपी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, दिल्ली बोर्ड के हो, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उस बोर्ड से जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, इसमें आपको 12th का, अगर मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो 12th मैथ्स पूरी पढ़नी होगी, और इसके परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं किया जाता। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे सोचते हैं कि मान लो उनके 12th में 59% है, और वो बोलते हैं कि सर, और बायो वाला स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो बोलता है कि सर मैं अगर 12th मैथ्स का पेपर दे दूं, अगर मैं 12th मैथ्स का पेपर दे दूं और मेरे 12th मैथ्स में 90% बन जाए, तो क्या एग्रीगेट मिला के 60 हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा रॉन्ग, 12th का जो ओरिजिनल परसेंट है वही रहता है, ये जो सेपरेट पेपर होता है इसके परसेंट को पुरानी मार्कशीट में इंक्लूड नहीं किया जाता, बस पुरानी मार्कशीट के साथ इस नई मार्कशीट को लगा दिया जाता है। मैं जब नेक्स्ट सेशन लूंगा ब्रिज कोर्स से रिलेटेड, आज मेरा ध्यान नहीं रहा, सेशन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मेरे पास तो बच्चों की मार्कशीट भी है, जो बच्चे यहां से देते हैं उनकी एक कॉपी हमारे पास भी रहती थी, तो एक मार्कशीट भी, एक सिंगल मार्कशीट आएगी जिसपे मैथमेटिक्स वर्ड लिखा होगा और उसके मार्क्स लिखे होंगे, पर उसके मार्क्स ओरिजिनल 12th के मार्क्स में ऐड नहीं किए जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं एक ही बात को, आपने शायद ही ध्यान दिया हो, मैं कभी कभी ऐसा बहुत कम करता हूं, पर इस बात को इतना क्यों स्ट्रेस देकर और एक ही बात को कई बार बोल रहा हूं, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी, क्योंकि मैंने ब्रिज कोर्स को लास्ट 3 सेशन में समझाया, फिर भी बच्चों का कंफ्यूजन बना रहा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक सिंगल पेपर होता है, और ये पेपर जिनका 12th में मैथ्स नहीं है, मेरा पर्सनल सजेशन है उनको ये पेपर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है, जैसे आप मान लो बीसीए कर रहे हो, ठीक है, और बीसीए के 1 ईयर में मैथ्स है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप एलिजिबल हो जाते हो एमसीए के लिए, पर फिर भी मैं बोलता हूं कि कोई एक भी एग्जाम ना दे पाओ, ये वाली कंडीशन क्यों है? जब आपने ठानी लिया कि एमसीए करना है तो इस पेपर को देने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और एक और बात, अगर आप आज सुन रहे हो और फर्स्ट ईयर में, तो इसी साल भर दो, सेकंड ईयर में तो भी भर दो, थर्ड ईयर में तो भी भर दो, और बस इतना सा ध्यान रखना कि आपके स्टेट का जब नोटिफिकेशन आए, हमेशा आता है कि 12th के फॉर्म ओपनिंग हो गई है, इस तारीख से इस तारीख तक भरे जाएंगे, बस उसी समय आप अपने स्कूल में जाइए और फॉर्म फिल करके जमा कर दीजिए। एक सिवा उस स्टेट में नहीं हो, दूसरे स्टेट से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वहां से ही देना चाहो तो भी, वो ऑप्शन मैंने बता दिया कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके वहां से भर सकते हो। एक सिवा आप इम्पिटस गुरुकुल में हुए तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, फिर तो वो हम फॉर्म भरवा ही देंगे, वो फॉर्म हम भरवा ही देंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो इस तरह से ये ब्रिज कोर्स का मतलब होता है। आई थिंक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही 12th बोर्ड का नोटिफिकेशन आएगा मैं नया सेशन लूंगा, फिर भी कोई डाउट आपके रह जाए या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख दें, तो जब 12th का नोटिफिकेशन आएगा मैं उस समय उन डाउट को, या बीच में भी जरूरत लगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।